So hello friends, welcome to our channel. So let's start the Hindu discussion dated 17 September 2019. The first article here is the government data on Jammu and Kashmir terror justify lockdown, says Supreme Court. तो सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, तो क्योंकि वहाँ पे 4 अगस्त के बाद से जो लॉकडाउन हुआ था सब कुछ बंद कर दिया था, तो उससे रिलेटेड कि वहाँ पे सब कुछ बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो उससे रिलेटेड गवर्नमेंट एक डेटा प्रोवाइड किया जिसके अंदर उन्होंने डेटा में बताया है कि सिंस 1990 द 41,866 पर्संस हैड लॉस्ट देयर लाइव्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन 71,038 टेरर इंसिडेंट्स दे इंक्लूडेड 14,038 सिविलियंस and 5,292 security personnel and 22,536 terrorists. So ये data provide किया गया कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर last 1990 से लेकर अब तक life loss करी, उसमें कितने civilians थे, कितने security personnel थे और कितने terrorists थे. तो इस data को दिखाते हुए government ये शो कर रही है कि किस तरीके से जो लॉकडाउन किया है, सब कुछ जो वहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज थी या फिर जो पे प्रेस को आज़ादी नहीं थी, तो सब चीज़ और जो फ्रीडम स्पीच थी लोगों की वो बिल्कुल बंद कर दी, एक तरीके से कर्फ्यू लगाया था. तो रीज़न क्या था उसका, कि टेररिस्ट अटैक को कम करने के लिए, कोई आगे फिर से कुछ ऐसे अनहोनी ना हो, इसलिए ये स्टेप ली, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया. एंड गवर्नमेंट ऑल्सो शोज द डेटा वेयर he told that they are providing the essential items to the peoples. Here it is given the 8,98,050 LPG refills have been home delivered in the last month across the Kashmir Valley. 6.46 lakhs quintals of ration have been distributed. Primary, middle and high schools are functioning normally in Jammu Kashmir and Ladakh division, while in Kashmir 97% of all schools are functioning. So related ye data tha. So next move to the next article. So ye again kal ka repeated hai ki jo Saudi Arabia ki jo refinery thi sabse badi Aramco, जिसपे हाउदीज रिबेलियंस ने अटैक किया था ड्रोन्स के थ्रू, तो उससे क्या सिचुएशन आ सकती है करंट इकोनॉमी में, कि ये सुनने में आ रहा है कि जो पेट्रोल प्राइस है वो राइज कर देगा ₹5, बिकॉज अगर $1 भी एक बैरल में इंक्रीज़ होता है, मतलब अगर ₹60 भी पर बैरल इंक्रीज़ करते हैं वो, तो इंडिया के ऊपर 11,500 करोड़ का और एक्स्ट्रा खर्चा आ जाएगा, कितना और एक्स्ट्रा स्पेंड करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पूरी जो चीज़ है, जो पूरा मार्केट है, उसके अंदर इन्फ्लेशन आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो इंडियन रुपी है उसकी जो वैल्यू और डेप्रिशिएट हो जाएगी. तो ये शो, तो ये आर्टिकल इससे रिलेटेड था. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो फारूक डिटेन्ड अंडर द PSA, हिज हाउस डिक्लेयर्ड अ जेल. तो जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे जम्मू कश्मीर के, वो अंडर PSA, दैट इज़ द पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेन्ड हैं. तो देख लेते हैं क्या है पब्लिक सेफ्टी एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले अलग, उसके सारे कॉन्स्टिट्यूशन उसका अलग था, सब कुछ अलग था, तो उसके जो सेफ्टी एक्ट वगैरह सब कुछ अलग था. तो उसके अकॉर्डिंग क्या PSA में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द जम्मू कश्मीर एक्ट. तो अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 इज अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. Preventive detention law under which a person is taken into custody to prevent him or her from acting in any manner that is prejudicial to the security of the state, to the maintenance of or the maintenance of the public order. It is very similar to the National Security Act that is used by other states for preventive detention. So preventive detention ka case hai jiske andar ye बताया है कि जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होता है, अगर पब्लिक ऑर्डर में कोई भी इंटरेस्ट होगा, तो उसलिए प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं किसी भी बंदे का अंडर दिस एक्ट. सो इसके अंदर द अलाउ फॉर डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट अ फॉर्मल चार्ज एंड विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के और बिना किसी चार्ज के भी किसी बंदे को डिटेन कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से जो फारूक अब्दुल्ला उनको किया है. एंड दिस डिटेंशन कैन बी अप टू द 2 ईयर्स, और 2 साल तक कर सकते हैं. सो दिस इज the main provisions of this act. So इसी के अंडर जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनको डिटेन किया गया है. सो नेक्स्ट आर्टिकल तरफ मूव करते हैं. तो हेयर इट इज़ द पिक्चर अबाउट द वर्क ऑफ द मनोहर सरकार ऑफ हरियाणा. सो दीज आर द अचीवमेंट्स विच आर कमिटेड बाय द हरियाणा गवर्नमेंट.
So if you are preparing for the Haryana Public Service Commission, so you have to know about all the schemes here. So you can go to this page. It's not a page, it's an image. Page number 2, and you can go there and see all the schemes mentioned here. Okay, so let's move to the next article. So next article here is the petition challenging odd even initiative filed before NGT. So every recently the Delhi government ne unhone announced kiya hai ki wo dobara odd and even leke aayenge. Kyun? Kyunki jo pollution level hai usko kam karne ke liye. To iske liye petition file ki gayi thi Supreme Court mein. To jahan pe CPCB ki jo report hai, the Central Pollution Control Board report, that shows how no impact on ambient air quality in 2016. तब 2016 में जो दिल्ली government है जब वो लेके आई थी ऑडी निवन, उसमें जो रिपोर्ट शो करी है सीपीसीबी ने कि उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है एयर क्वालिटी के ऊपर. सो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. तो इसके बारे में देख लेते हैं. इट इज़ अ स्टैचुटरी ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. सो MOEFCC के अंदर ये पॉल्यूशन बोर्ड आता है एंड दिस वॉज एस्टेब्लिश इन 1974 अंडर द वाटर प्रिवेंशन एक्ट. सो ये इंपॉर्टेंट है, ये इस चीज़ को हाईलाइट कर दो, कहीं लिख लो. This line is very important here because UPSC में इसी तरीके से confuse करते हैं कि किस act के under है और किसके इससे statutory recognition मिला हुआ है. तो statutory organization है किसके अंदर, ministry of इसके अंदर, लेकिन बना किसके through है, water prevention act के through बना है. And it also functions and get power from the air प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट. सो ये बहुत CPCB बहुत कन्फ्यूजिंग है, बहुत बार UPSC इस पर कन्फ्यूज भी करता है और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने वाले कॉलेज कोचिंग इंस्टीट्यूट जो अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर सेट्स निकालते हैं, सैम्पल सेट्स निकालते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है. सो फोकस ऑन दिस क्वेश्चन. ओके, सो इट सर्व एज अ फील्ड फॉर्मेशन एंड ऑल्सो प्रोवाइड टेक्निकल सर्विसेज टू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. सो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोवाइड करता है फील्ड इंफॉर्मेशन एंड इट कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बाय प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस एंड ऑल्सो रिजॉल्व डिस्प्यूट अमंग दैम. इट इज एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन इन गंडे इन द फील्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल विंग ऑफ द MOEFCC. सो यहाँ पे ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है ये डिफरेंट एक्ट से पावर ले रहा है, लेकिन ये बेसिकली याद रखें किस एक्ट के अंदर है, वो है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है एक्ट. और जो सो स्टैचुटरी रिकॉग्निशन मिला है वो मिला है इस एक्ट के थ्रू, लेकिन है किस मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. सो ये बात ध्यान में रखेंगे अच्छे से. देन हेयर अगेन रविदास टेम्पल, ये पहले भी रिपीट हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो केस चला है रविदास टेम्पल जो दिल्ली में बना हुआ है उसको डिमोलिश कर दिया गया. तो पढ़ लेते हैं अबाउट अगेन गुरु रविदास, रिविजन हो जाएगा एक बार दोबारा से हमारा. सो गुरु रविदास जो है वो वॉज अ नॉर्थ इंडियन मिस्टिक पोएट ऑफ द भक्ति मूवमेंट के पोएट हैं. And while the exact year of his birth is not known, it is believed that the saint was born in 1377 CE. That is, Guru Ravidas Jayanti celebrated on Magh Purnima, which is a full moon day in Hindu calendar month of Magha. So not important, just skip this line. Adi Granth of Sikh is in addition to the Panchavani are the two of the oldest documents associated with the literature of the Guru Ravidas. Ye important hai. Adi Granth of Sikhs in addition to the Panchavani of the two of the oldest documents associated with the literary work of the Guru Ravidas. Kyunki pooch lete hain ki ye book hai ya ye content hai, kis ne likhi hai. So isliye important hai. Then he belonged to the untouchable caste and suffered a lot of atrocities as a result. However, the saint chose to focus on a spiritual pursuit and also penned several devotional songs which made a huge impact in the bhakti movement. So, ये bhakti movement से related बंदे थे और bhakti movement क्या होता है? Devotion to one God. So, उनके बारे में ये दो चीजें जरूर याद रखें कि आदि ग्रंथ of Sikhs and Panchvani are the two oldest documentary source of the literary work of Guru Ravidas. Panchvani and Adi Granth of Sikhism. Okay, let's move to the next article.
सो ये आर्टिकल है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स यूनियंस प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज। सो रिसेंटली आपको पता है कि मोटर व्हीकल एक्ट से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, लोग कितना ज़्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। जंतर मंतर पे यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशंस ने वहाँ पे धरना दिया है किसके अगेंस्ट में, जो बहुत ज़्यादा फाइंस लगाए जा रहे हैं मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंड होने के बाद से। सो यू कैन कोट द क्रिटिसिजम वेन एवर द क्वेश्चन इज आज रिगार्डिंग द मोटर व्हीकल एक्ट, एंड देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। सो ये एक आर्टिकल है, हाई कोर्ट स्टेज योगी गवर्नमेंट मूव टू शिफ्ट 17 OBCs टू SC लिस्ट। सो 24 जून को क्या हुआ था, जो योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने 17 OBCs को SC लिस्ट में डाल दिया, ठीक है, बट दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा मेंशन ही नहीं है कि कोई भी स्टेट CM अपने आप ऑटोमेटिकली OBC से डायरेक्ट SC लिस्ट में किसी को भी डाल सकता है। ये पावर प्रेजिडेंट के पास है, ही कैन रिकमेंड टू द गवर्नर एंड द गवर्नर कैन गिव सजेशंस टू द प्रेजिडेंट, देन प्रेजिडेंट डू दिस मूव टू शिफ्ट OBCs टू द SC लिस्ट। तो इससे रिलेटेड ये आर्टिकल था जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, जहाँ पे हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी जहाँ पे इसको अभी रोक दिया गया कि ऐसा नहीं कर सकते गवर्नमेंट। लेट्स सी आगे क्या होगा इस पे। देन द नेक्स्ट आर्टिकल इज द इलेक्शन कमीशन मे अनाउंस पोल डेट्स फॉर द थ्री स्टेट्स ऑन थर्सडे। सो थर्सडे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आने वाले 3 स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन, डेट इज द महाराष्ट्र हरियाणा एंड झारखंड असेंबलीज, उनको डिक्लेयर करेगी किस किस दिन में कितना कितने टाइम में इलेक्शन होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। सो लेट्स सी अबाउट द व्हाट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट इज एन ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग यूनियन स्टेट इलेक्शन प्रोसेसेस इन इंडिया। सो जो बॉडी किस किस जगह के इलेक्शन कराते हैं ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो अभी इलेक्शन होंगे स्टेट में, देन द ऑफिस ऑफ प्रेजिडेंट का इलेक्शन एंड वाइस प्रेजिडेंट। तो ये 5 जगहों के जो इलेक्शन है वो कौन कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट। सो याद रखना क्वेश्चन इस पे बहुत बार आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। अब कुछ आर्टिकल है रिलेटेड टू द इलेक्शन, सो लेट्स सी। द सुप्रिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, दैट इज रिटन इन दैट आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन आर्टिकल 325 इज नो पर्सन टू बी इन एलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूड इन अ स्पेशल इलेक्शन रोल on grounds of religion, race, caste and sex. And article 326 about the elections to the house of peoples and the legislative assemblies of states to be on the basis of adult suffrage, that is the age of 21, and the power of parliament to make provision with respect to election, 18 is the age for adult suffrage, that is for voting. The power of parliament to make provision with respect to elections to legislatures, then power of legislatures to of a state to make provisions with respect to elections to such legislatures, bar to interference by courts in electoral matters. So these all are the articles related to the Election Commission of India. You can go to the polity book of Lakshmikant and you can read these articles, and if you have any queries you can mail us to our Gmail ID which is given in the description below. So let's move to the next article. So here is the article about the quota alone cannot ensure community progress. तो recently एक talk में the union minister was addressing a gathering at the अखिल भारतीय महिला माली समाज organized by the महात्मा फूले शिक्षण संस्था। तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि कोटा से रिजर्वेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल है, जहाँ पे जो नितिन गडकरी ने बोला कि कोटा अलोन कैन नॉट इंश्योर अ कम्युनिटी प्रोग्रेस, किसी भी कम्युनिटी के प्रोग्रेस के लिए कोटा कुछ नहीं कर सकता। एजुकेशन, विजनरी लीडरशिप, यही दो चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं कि जो प्रोग्रेस किसी भी कम्युनिटी में ला सकते हैं। रिजर्वेशन इज नेसेसरी फॉर प्रोग्रेस ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटी, बट द कोटा सिस्टम अलोन कैन नॉट इंश्योर देयर कम्प्लीट डेवलपमेंट। हाँ, ये एक तरीके से हेल्पिंग हैंड बन सकता है, बट द टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिजर्वेशन इज नॉट हेल्पिंग फॉर द कम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एनी कम्युनिटी। सो दिस इज this statement is told by the our transport minister Nitin Gadkari. So this is all important about, so here reservation se koi bhi question hoga you can quote these lines ki kisi bhi community ke progress ke liye education aur leadership ki zyada zarurat hai as compared to the quota bas
हेल्पिंग हैंड हो सकता है, लेकिन टोटली डिपेंड होना कि कुत्ते के ऊपर, दैट इज नॉट अ राइट थिंग. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो यहाँ पे सबरीमाला टेम्पल केरला के अंदर है. मैं बता दूँ लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा सबरीमाला टेम्पल के ऊपर इशू आया था, क्योंकि यहाँ पे जो वुमेन है जो प्यूबर्टी एज के अंदर होते हैं उनको अलाउड नहीं होता था टेम्पल में जाने के लिए, बिकॉज जो लॉर्ड अयप्पा हैं वो उनकी शादी हुई नहीं थी, तो इसलिए वहाँ पे ताकि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो इस तरीके से बोला जाता है. तो इसलिए वहाँ पे जो लेडीज़ है जो प्यूबर्टी एज में होती है उनको या कोई भी वुमेन उनका जाना अलाउड था. सो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट में था, तो इसलिए ये न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है. तो रिसेंटली ये ओपन किया गया है कुछ रिचुअल्स के लिए 5 days के लिए, तो इसलिए न्यूज़ में. ओके तो लेट्स मूव द नेक्स्ट आर्टिकल. सो द हेयर द आर्टिकल अगेन जो कल हमने डिस्कस किया था नर्मदा के ऊपर, जो सॉरी ये गोदावरी वाला आर्टिकल है जहाँ पे गोदावरी जो रिवर है हमारी, वहाँ पे जो कुछ बोट जो 38 लोग जो बोट में से गिर खो गए हैं उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है. सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है NDRF, दैट इज अ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स. तो उसके बारे में देख लेते हैं. दिस कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड ये किस लिए डेडिकेटेड है, जो डिजास्टर जहाँ भी होगा कोई भी नेचुरल कैलेमिटी होगी, सो वहाँ पे लोगों को रेस्क्यू कराने के लिए वहाँ सब कुछ सेटल करने के लिए इस फोर्स का यूज़ किया जाता है. और ये फोर्स का जो इस्टेब्लिश हुई थी वो 2006 में हुई थी और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. एंड इट वर्क्स अंडर द NDMA, दैट इज़ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, विच लेज डाउन पुलिस प्लान्स एंड गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट. At present there are 12 battalion in NDFC which are deployed strategically across country to provide immediate response. Okay, so this is all about NDRF. So let's move to the next article. So here is the article about again the repeated article here, the uranium is resoluting against uranium mining. तो यहाँ पे फिर वो अगेन दोबारा बताया जो नालामाला फॉरेस्ट है उसको कितना अफेक्ट होगा अगर यूरेनियम माइनिंग वहाँ पे की जाएगी, जो कल तेलंगाना गवर्नमेंट के जो तेलंगाना गवर्नमेंट ने जिसने उसका अपोज किया था. It is given that the नालामाला फॉरेस्ट एरिया इज अ बोर्ड ऑफ टाइगर्स एंड डियर्स and bears and other animals and real medicinal plants and lakhs of varieties of plants and trees are present in the forest. Several tribes like Chenchus, तो यहाँ पे जो tribe है Chenchus ये important है, कहाँ मिलती है, नालामाला forest में मिलती है. and other forest dwellers are dependent on the forest for their livelihood. the waterfalls from the high mountains peaks and the hill in the forest serve as the catchment area for the Krishna river. नालामाला forest is the basis for the rich tribal biodiversity and taking up mining operation for uranium will damage its ecological balance. so ye repeated article hai, wohi again dobara jo kal bataya tha wohi hai sab kuch isme. so ye next hai ki the Irum Manzil in Hyderabad, it was built around the year 1970s by Nawab Safdarjung Mujdir Uddaula फरुकुल मुल्क. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि अरुम मंजिल कहाँ पे है, हैदराबाद में, तो इसकी डिमोलिशन करने की बात चल रही है. तो नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द ऑफिशियल्स गेट NCW एंड NHRC नोटिस ओवर गैंग रेप. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है NCW, इट इज़ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एंड द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. सो उसके बारे में देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं हर साल ये. so NCW is the statutory body under the National Commissions for Women Act 1990 के अंदर थी, फॉर्म इस्टेब्लिश हुई है 1992 में. नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोटेक्ट करते हैं और प्रमोट करते हैं किसका, वुमेन्स का इंटरेस्ट. एंड इट इज़ वाइडली रिस्पॉन्सिबल फॉर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट की बात से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब इसकी करिए रखती है. ऑल्सो रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल सेफ गार्ड्स फॉर वुमेन्स, रिकमेंड रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स एडवाइसिस through the government on all policies affecting women, and it also regulates publishes monthly and newsletter Rashtra Mahila. so ये important है, Rashtra Mahila ये publish करती है both in English and Hindi. अब देख लेते हैं NHRC के बारे में. National Human Rights Council, it's an independent statutory body established on 12th October 1993 as per provisions of Protection of Human Rights Act 1993 एंड लिटर इट एमेंडेड इन 2006. सो उसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली है. इट्स अ वॉचडॉग ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द कंट्री, इन द राइट टू द लाइफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स ग्रांटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इम्पॉर्टेंट इन द इंटरनेशनल कवनेंट्स एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स इन इंडिया.
और ये एस्टेब्लिश करी गई थी इन द कन्फर्मिटी विद द पेरिस प्रिंसिपल्स अडॉप्टेड फॉर द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन पेरिस 1991 एंड एंडोर्स्ड बाय द जनरल असेंबली और द ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन डिसंबर 1993. सो दिस इज अबाउट द NHRC. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट इज हेयर द अवार्ड, द टर्किश अवार्ड फॉर एक्टिविस्ट हु सर्वाइव्ड असॉल्ट बाय कोल माफिया. सो ये एक इंडियन मेघालयन बेस्ड एक्टिविस्ट हैं अग्निश खार सिंह, जिनको 11th इंटरनेशनल हरांत डिंक अवार्ड मिला. तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये हरांत, HRANT, हरांत डिंक अवार्ड गिवन टू एगिस खारसिंग, मेघालयन एक्टिविस्ट जो असॉल्ट हुई थी कोल माफिया के थ्रू. सो दिस बॉडी इज सिंस 2019 इज प्रेजेंटेड एवरी ईयर टू इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप डेट वर्क फॉर द वर्ल्ड फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन रेसिज्म एंड वायलेंस एंड हु टेक पर्सनल रिस्क फॉर अचीविंग दूस आइडियाज ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स एंड यूज द लैंग्वेज ऑफ पीस एंड बाई डूइंग गिव इंस्पिरेशन एंड होप टू अदर्स. सो इस ये जो भी चीज़ें हैं इसके बेसिस पे किसी हर साल ये अवार्ड लोगों को दिया जाता है. ओके देन द इम्पॉर्टेंट हेयर इज द ट्राइलेटरल लेवल एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है पोर्ट ब्लेयर में, दैट इज मे दिन ट्राइलेटरल लेवल एक्सरसाइज. इसके अंदर कौन कौन है मे दिन में? इंडिया एंड सिंगापुर एंड थाईलैंड. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था. देन जो पहला नेशनल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? कोलकाता में फॉर्म हो रहा है. सो ये भी इम्पॉर्टेंट है. देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो नेक्स्ट इज द एडिटोरियल पेज. सो एडिटोरियल पेज में तो फर्स्ट एडिटोरियल इज हेयर इज अनडिजायरेबल एंड डिविजन. तो रिसेंटली क्या हुआ था कि जो 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर सेलिब्रेट हुआ था, तो वहाँ पे यूनियन होम मिनिस्टर ने कुछ ज़्यादा बोल दिया कि इसलिए कि हिंदी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, इसको एक वन नेशन वन लैंग्वेज की बात करें. जिससे क्या हुआ, जो साउथ इंडियन कंट्रीज हैं, साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जहाँ पे जो प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस है डिफरेंट हैं, तो वो इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो इससे रिलेटेड आर्टिकल है जहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. लेट्स सी. सो यहाँ पे जो पहला फैक्चुअल चीज़ है वो ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, वो किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है. एंड 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं. दैट क्लेम दैट हिंदी अलोन कुड यूनाइट द कंट्री एंड इट वॉज द लैंग्वेज विच शुड बिकम इंडियाज आइडेंटिटी ग्लोबली. तो इस तरीके से कुछ ज़्यादा पिच में जो होम मिनिस्टर, उन्होंने बोल दिया कि हिंदी अकेली ही कंट्री को यूनाइट कर सकती है और दिस कैन बी यूज एज आइडेंटिटी ऑफ ग्लोबली ऑफ इंडिया. सो इस तरीके के स्टेटमेंट बोले जिसको लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया. फिर एडिटर ने बोला है कि नेशनल आइडेंटिटी कैन नॉट बी लिंक टू एनी वन लैंग्वेज, कि नेशनल आइडेंटिटी किसी एक लैंग्वेज से रिलेटेड नहीं है. एंड एज इट इज़ बाई डेफिनेशन समथिंग दैट ट्रांसेंड लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डिफरेंसेस. सो नेशनल आइडेंटिटी ये लैंग्वेजेस पे डिपेंड नहीं करती, ये रीजनल और लिंग्विस्टिक बेसिस से बहुत ऊपर है एक नेशनल आइडेंटिटी हमारे लिए. सो इस तरीके से वो बता रहा है कि नेशनल आइडेंटिटी बेसिकली क्या है. तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अगर हिंदी से रिलेटेड आए कि हिंदी इनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहिए, मतलब यूनियन ऑफिशियल लैंग्वेज तो ऑब्वियसली हमारी है ही, लेकिन क्या उसे नेशनल लैंग्वेज बनाना चाहिए या नहीं चाहिए, तो उस पर आप ये लिख सकते हैं पॉइंट्स. देन द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश हैज अ स्ट्रॉन्ग यूनिलिटेरियन वैल्यू. तो फिर अगेन एडिटर ने बोला है कि इंग्लिश एक यूटिलिटेरियन वैल्यू है, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं, क्योंकि एक लिंक बनता है किसके बीच में, साउथ इंडियन कंट्रीज और साउथ इंडियन स्टेट्स एंड द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स. क्यों? क्योंकि इंग्लिश वहाँ के लोग भी बोल लेते हैं और यहाँ के लोग भी बोल लेते हैं, और बेसिकली जो ऑल ओवर वर्ल्ड है जो इंग्लिश को प्रेफरेंस दी जाती है, जैसे कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल IT कंपनीज है वहाँ पर भी इंग्लिश को प्रेफर ही किया जाता है. इसलिए एक यूटिलिटेरियन वैल्यू की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि इंग्लिश पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट हैं या फॉरेन लैंग्वेज, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए. इट वुड बी डिजास्टर्स फॉर द कंट्री फेम डाइवर्सिटी इफ द प्रमोशन ऑफ हिंदी इज कंसिडर्ड अ स्टेप टूवर्ड्स अ वन नेशन वन लैंग्वेज काइंड ऑफ यूनिटी. ये कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स होगा कि अगर हम बात करें वन नेशन वन लैंग्वेज काइंड ऑफ यूनिटी की हिंदी को यूज़ करके. तो ये तरीके से जो एडिटर ने वो कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि किस तरीके से हमें हिंदी को
नहीं आगे मूव फॉरवर्ड करना चाहिए और क्या इसके अपोजिशंस हैं. ओके सो ट्राई टू राइट द आंसर ऑन दिन. देन ही ऑल्सो मैंशन द कल्चरल होमोजेनियाइजेशन बट इट इज़ हार्डली डिजायरेबल इन अ कंट्री विद डाइवर्स पॉपुलेशन. कि वी आर अ डाइवर्स कंट्री एंड अ यूनिफॉर्म कल्चर और अ यूनिफॉर्म लैंग्वेज वन लैंग्वेज इज़ वेरी हार्डली पॉसिबल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एडिटोरियल. सो द नेक्स्ट ईयर इज अबाउट द 5 trillion economy, the slow climb to the trillion economy peak, focus on human capital formation. तो इसमें जो एडिटर है उसने जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो इंडिपेंडेंस डे पे बोला था कॉन्फिडेंटली कि दैट ही इंडिया वुड बी अ 5 trillion economy by 2024. सो सिलेटेड आर्टिकल है जिसमें एडिटोरियल है जिसमें बताया है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली जिस जो 5 trillion इकोनॉमी को रोक रहे हैं और क्या क्या उसके लिए सॉल्यूशंस हैं. सो जो पहला उन्होंने बोला है दैट इज़ द इनइक्वालिटी इन द शेयर ऑफ वेल्थ. सो यहाँ पे उन्होंने कुछ डेटा शो किया है कि उन्होंने बोला है कि 40% जो 1% ऑफ द वेल्थीएस्ट इन इंडिया इंक्रीज देयर शेयर इन वेल्थ फ्रॉम 40% इन 2010 टू मोर देन 60% इन द लास्ट 5 ईयर्स. जो 1% सबसे ज़्यादा अमीर लोग थे इंडिया के अंदर जिनकी जो वेल्थी 40% शेयर रखती थी 2010 में, आज वो बढ़ के 60% हो गई है. तो ये इनइक्वालिटी शो कर रहा है बेसिकली जो इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो ही नहीं रही है. बेसिकली यहाँ पे जो लड़ाई है वो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट की है. कि जीडीपी में इंक्रीज होने का मतलब ये नहीं है कि ऑल ओवर द कंट्री जो है वो 5 trillion इकोनॉमी की तरफ मूव करे. उसके लिए हमें इक्विलेटरल डेवलपमेंट की बात करनी होगी. एंड अगेन ही मेंशन द डेटा दैट द टॉप 10% विल टेक द अवे द लायन शेयर ऑफ द 5 trillion इकोनॉमी इनकम्स एंड इफ एंड व्हेन वी रीच द टारगेट ऑफ 5 trillion इकोनॉमी. सो then next he mentioned about the education and the health sector and he said that the improvement of in education and health and expansion in productivity employment in all and environmental sustainable development all are helping in making the India a 5 trillion economy. Then the growth that the rate of growth of employment has declined with the increasing economic growth. तो ये data बता रहे हैं कि किस तरीके से जो employment growth है वो decrease हो रहा है. India will soon experience demographic disaster because unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ रही है rather than demographic dividend. और जो literacy rate की बात करें अगर India के that is actually grow very slowly according to the United Nations. Indian literacy was 71.1% in 2015. And India is now far behind many African countries such as Rwanda, Morocco and Congo in terms of literacy. कि जो even जो South Indian जो South African countries हैं जो African countries हैं उनसे भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं in compared to literacy. So यहाँ पर इन्होंने data show करा है. तो इस data को आप use कर सकते हैं जब भी education से related या health से related आपको कुछ भी पॉइंट्स लिखने हो तो. देन द पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन ऑर्डर टू फुलफिल द वाइड गैप्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड रिट्रेटिंग ऑफ टीचर्स एंड टू इंश्योर अ स्ट्रॉन्ग फॉलो अप ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन. सो उन्होंने बताया यहाँ पे किस तरीके का रिफॉर्म की ज़रूरत है बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में अगर हमें 5 trillion इकोनॉमी की तरफ मूव करना है. तो वो क्या कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पर फोकस करना चाहिए एजुकेशन सेक्टर पर जहाँ से क्या होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं वो कम हो पाए और जो टीचर्स हैं उनकी अच्छे से ट्रेनिंग वगैरह हो पाए जिससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड हो जिससे हम 5 trillion इकोनॉमी की तरफ मूव कर पाए टिल बाय द 2024. देन ही ऑल्सो मेंशन अबाउट द प्रॉब्लम विद द हेल्थ सेक्टर द डिक्लाइन इन माल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली अमंग वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इज वेरी स्लो. एंड ही ऑल्सो मेंशन द डेटा दैट द 1.5% ऑफ GDP वी आर इन्वेस्टिंग ऑन हेल्थ. एंड देन अगेन ही मेंशन द डिप्लीशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज. द IPCC रिपोर्ट वॉन्ड India of the seriousness of climate change and its severe adverse impact on the environment and the livelihood of masses. So these all are the problems given by the editor here. The first is that is the education, then the health sector mein kya problems hai, then the environment jo IPCC ki report aayi hai, then present the economy's experience or jo present mein jo economy mein slow growth hai ki jo itna reduce ho gaya ki 5% pe pahunch chuka hai and it would be very difficult to raise the rate of growth to reach the 5 trillion economy 2024 unless we focus on human capital formation and that's the real reason. So yahan pe bola jab tak hum asli reason ki taraf nahi pahunch jate hai, jab tak hum human capital development कि ग्रोथ पे ध्यान मत दो जो ह्यूमंस है ह्यूमन बींग उनकी कैपेबिलिटीज़ है उनको इंक्रीज करने पे फोकस करो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बात करो क्योंकि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके पास बेसिकली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट
कैपिटल के फॉर्मेशन में क्या है, डेट इज़ द ह्यूमन कैपिटल। चाहे आप यूएसए की बात कर लो, चाहे चाइना की बात करो, चाहे यूरोप की बात कर लो, जो भी डेवलपमेंट है उनकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से। अगर हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पर फोकस करना होगा। और जो मेन रीजन से हमारे जो भी इकोनॉमी स्लो डाउन है, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर की वजह से हो, चाहे डिमोनेटाइजेशन की वजह से, उनको अच्छे से फोकस करना होगा, उनको स्टडी करना होगा और उनको प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। एंड अगेन ही मैंशन दैट द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी हैव डिक्लाइंड। जो इन्वेस्टमेंट है, जो सेविंग्स है लोगों की, वो कम हो रही है। क्यों? लोगों के पास पैसा ही नहीं है सेव करने के लिए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है। देन ही मैंशन द 3.5 लैक्स जॉब लॉस इन द ऑटोमोबाइल सेक्टर। एंड देन ही ऑल्सो मैंशन अबाउट द क्राइसिस इन एग्रीकल्चर, बिकॉज मोस्ट ऑफ आर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड एग्रीकल्चर इज द क्राइसिस टूडे ऑन अकाउंट ऑफ राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट्स। पैसा जो इनपुट कॉस्ट है वो राइज हो गई है, प्रोडक्शन की जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो कम हो गई है, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ज़्यादा है ही नहीं इस सेक्टर के अंदर। एंड द वेजेस आर डिक्लाइन, द क्रैश इन एग्रीकल्चर एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी, जिसकी वजह से डिमांड में कमी आ गई है। लेकिन गवर्नमेंट जो फोकस कर रही है वो सप्लाई करने पर फोकस कर रही है। ये चीज़ को मैंशन करना है कि डिमांड पर फोकस करना है, वी हैव टू इंक्रीज द डिमांड। डिमांड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो सप्लाई पर ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये सब इशूज में मैंशन किए गए। देन हाउ ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सो तब से ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा, पब्लिक एक्सपेंडिचर पे करना होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है आजकल, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को उन्होंने लैंड मनी प्रोवाइड किया, देन मर्जर्स ऑफ बैंक किया है। सो दीज ऑल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट हेल्प्स इन रीचिंग द टारगेट ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। एंड देन ही ऑल्सो मैंशन द इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, मार्केटिंग, स्टोरेज, ट्रेनिंग एंड प्रोवाइडिंग प्रॉफिटेबल प्राइस टू फार्मर्स, दैट इज द लैंड रिफॉर्म्स की बात करो, लैंड रिफॉर्म्स कर लो, मनरेगा में पैसा डालो ज़्यादा, एंड जिससे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा उन्होंने दिया पब्लिक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाओ, क्योंकि अभी भी हमारे जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज है। 2.5 मिलियन जॉब्स आर स्टिल देयर इन द सेंटर, इन द गवर्नमेंट जॉब जो वैकेंट है उनको फिल करो, जिससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो क्या होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक का टारगेट हम पूरा कर लेंगे। देन ही दैट ही अगेन से दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन विल गिव अ बिग पंच टू दर स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। अगर ह्यूमन कैपिटल पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हम क्या होगा, जो हमारे स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई सेक्टर वो बूस्ट अप होंगे। फोकस ऑन प्रोमोटिंग लैंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स सच एज जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट्स एंड लेदर वुड्स, बिकॉज हमें पता है कि ज्वेलरी नंबर 2 पे हमारा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है हमारी ज्वेलरी जो जेम्स पर होती है, तो हमें इसको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। एंड देन स्टेप्स सच एज रोलिंग बैक सम बजटेड टैक्स प्रपोजल्स, प्रोवाइडिंग स्टिमुलस पैकेज टू इंडस्ट्रीज, रेजिंग फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI को इंक्रीज करें, GST को कम करें, क्योंकि इंडस्ट्रीज को हेल्प करें, क्योंकि जो GST सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट GST और डिमोनेटाइजेशन का हमारे सेक्टर पर हुआ है, और जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी स्लो डाउन शो हो रही है। एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड आस्क एंड बैंक्स टू पास ऑन रिड्यूस रेट्स, जो लैंडिंग रेट्स उनको रिड्यूस करें, तो दैट कस्टमर कैन टेक द मनी एंड रिकेपिटलाइजेशन ऑफ बैंक बाय द 70,000 crore टू रेज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, एंड अदर स्टेप्स टू ईज क्रेडिट फ्लोज इन द इकोनॉमी आर ऑल सप्लाई साइड मेजर्स। तो ये बताया है कि सब सप्लाई साइड मेजर्स हैं, वी हैव टू फोकस द डिमांड साइड। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एक बार और रीड कर लें। देन द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द इज़राइल पाकिस्तान टाइज अ ब्रिज टू फॉर। सो यहाँ पे ये आर्टिकल है कुछ जो इसराइल और पाकिस्तान के स्कॉलर्स हैं वो बात कर रहे हैं, किस लिए कि इसराइल और पाकिस्तान को जो अपने फॉर्मल टाइप्स हैं, जो उनको डिप्लोमेटिक टाइप्स हैं, वो उनको इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम्स हैं, बेसिकली पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसराइल का जो इशू था, जब भी इसराइल फॉर्म हुआ था 1948 में, तो इसका जो रीजनल आइसोलेशन का रीज़न था, क्योंकि जो अरब स्प्रिंग्स, जो अरब कंट्रीज, जो भी इस्लामिक कंट्रीज है, वो बार बार इस पैलेस्टीन की वजह से इस पर अटैक कर रही। तो इस रीज़न की वजह से अगर पाकिस्तान ने फॉर्मली टाइप डिप्लोमेटिक टाइप करे, तो वो जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर उसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इसलिए वो ज़्यादा इस पर इसराइल के साथ रिलेशन नहीं इंप्रूव करेगा। लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेशन इसराइल इंप्रूव करने की कोशिश अगर टाइप करे, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, बेसिकली अगर वो पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशन इंप्रूव करे, तो जो वैसनिक जो डिप्लोमेट जो भी यहाँ पे पॉलिटिक्स है उसमें इन्वॉल्व हो सकता है, और बेसिकली
जो बाकी इस्लामिक कंट्रीज है उनको भी उनकी उसकी जो पाकिस्तान की हेल्प से उनसे भी अपने टाइप्स इंप्रूव कर सकता है। तो इसराइल, लेकिन इससे इंडिया पे ऐसा ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंडिया और इसराइल के जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, एंड दिस एक्चुअली नॉट अफेक्ट इंडिया। सो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आर्टिकल, क्योंकि इंडिया पे क्या अफेक्ट पड़ेगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसराइल और पाकिस्तान का बेसिक अभी तो लगता नहीं कोई पॉसिबिलिटी है। आगे भी कुछ होगा, अगर कोई फॉर्मल टाइप्स होते भी हैं, डिप्लोमेटिक टाइप्स होते हैं, लेकिन उसका अफेक्ट इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप पे कभी नहीं पड़ेगा। देन द आर्टिकल हेयर इज अबाउट दिस अगेन, द जो कल गोदावरी में बोट ट्रेजेडी हुई थी उससे रिलेटेड, तो नॉट इम्पोर्टेंट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल। द प्रोटेक्ट द मैसेंजर रीजनल प्रेस इन इंडिया इज स्पेशली वल्नरेबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेसिव पॉलिटिकल प्रेशर एंड करप्शन। तो ये प्रेस की बात कर रहे हैं कि प्रेस की जो इंडियन प्रेस है, जो बेसिकली यहाँ की प्रेस की जो सिचुएशन है आज की डेट में इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है, जो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने वाले बंदे हैं, जो न्यूज़ पहुंचाने वाले लोग हैं, वो कैसे उन्हें प्रोटेक्ट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो बड़े लेवल है, जैसे कि अगर तुम दिल्ली में बैठे हो या कैपिटल में बैठे हो किसी भी स्टेट्स की, तो वहाँ पे जो जो रिपोर्टर्स हैं वो प्रोटेक्ट हैं, लेकिन जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं, कस्बे हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे जो कोई भी न्यूज़ वगैरह पहुँचाने वाले लोग होते हैं वो इतने प्रोटेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर होता है, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर होता है, और करप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो जब सिर्फ कहाँ फोकस करके रह जाते हैं, ज़्यादातर सिर्फ कि एडवर्टाइजमेंट करने पर। तो ये यहाँ पे बताया कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसके लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए मैसेंजर्स को, दैट इज़ द प्रेस। सो इस आर्टिकल है, यू कैन रीड इट। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल्स कोट किए हैं, इसमें कुछ ऐसा लिखा नहीं जिसको तो आप आंसर मेंशन कर सकते हैं एज अ एग्जांपल, कहीं पे कोई केस हुआ उससे रिलेटेड है बस। सो इफ यू वांट यू कैन रीड इट वंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ। सो नेक्स्ट इज हेयर द पीएम डेली इटली पर ट्रम्प डिसीजन। तो जो अगली बार, अब जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएस जा रहे हैं, सो वहाँ पे जो मोदी जी हैं खुद वहाँ पे जाए, मोदी जी जा रहे हैं मतलब यूएस जा रहे हैं, तो वहाँ पे खुद प्राइम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उनको वेलकम करने के लिए पहुंचेंगे इन द हाउ इन द हस्टन टेक्सास। तो हस्टन जगह है टेक्सास यूएस में, तो इस जगह का नाम याद रखेंगे हस्टन। ओके सो अगले आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। सो नेक्स्ट आर्टिकल हेयर इज सोलोमन आइलैंड। सो सोलोमन आइलैंड ने टाई अप एंड कर दिया ताइवान के साथ। सो जो टाई अप एंड करने का रीजन ये है कि वहाँ पर जो नई इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, और जिसने ताइवान से अपने टाई अप एंड कर लिया, क्योंकि ताइवान को ऑल ओवर वर्ल्ड एज अ कंट्री का रिकग्निशन नहीं मिला गया है, वो एज अ चाइना का ही पार्ट माना जाता है। सो रीज़न क्या है इसका, तो मूव क्यों, ऐसा मूव क्यों लिया सोलोमन आइलैंड ने, एंड द मूव केम आफ्टर द सोलोमन आइलैंड मंथ्स लॉन्ग रिव्यू ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द स्विच ऑफ द बेजिंग विच वॉज ऑफरिंग 8.5 मिलियन इन द डेवलपमेंट फंड। सो जो बेजिंग है उनके पास पैसा है, वो डेवलपमेंट फंड में इन्वेस्ट करने के तैयार है सोलोमन आइलैंड के लिए। तो अगर वो कह रहे हैं कि अगर वो चाइना चाहेगी कि ताइवान को, वो कहते हैं कि यू कम अंडर अस, कि एक एक चाइना की बात करते हैं, वन चाइना, और ये इसको आपको हम ऑटोनोमस स्टेटस देने को तैयार हैं ताइवान को, लेकिन ताइवान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, वो अलग कंट्री अपने आप को मानता है। लेकिन अगर दूसरी कंट्री उसके साथ टाई अप कर रही हैं कुछ, लेकिन सोलोमन आइलैंड जो है 16 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड आर टाई अप विद दिस ताइवान, बट सोलोमन आइलैंड रिसेंटली उसके साथ टाइप खत्म कर दिए अपने फॉर्मल टाइप, जो एम्बेसी है वो भी वहाँ से वापस बुला, एम्बेसी के जो बंदे हैं वो ताइवान के, उन्हें भी वापस भेजने की बात करी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो अगर सोलोमन आइलैंड को अपनी इकोनॉमी बूस्ट करनी है, जो भी फंडिंग चाहिए, फॉरन इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो उसके लिए उसको चाइना पर डिपेंडेंट है, चाइना पर रिलाई करता है, और चाइना इस समय रेडी 8.5 मिलियन की फंडिंग करने के लिए, लेकिन ताइवान के पास उतना पैसा है नहीं। तो ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल है। सो एज अ जियो पॉलिटिक्स यू कैन मैंशन कि चाइना किस तरीके से अपनी हेजेमनी शो कर रहा है, किस तरीके से वो अपनी पावर का या अपने पैसा का यूज़ करके दूसरी कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है किसी और कंट्री से टाई अप तोड़ने के लिए। सोशल रेडियो आर्टिकल। सो दिस इज द नेक्स्ट आर्टिकल। हेयर इज वन मोर इम्पोर्टेंट आर्टिकल। हेयर इज द न्यू स्कीम्स विच इज लॉन्च बाय द कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल आफ्टर द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंसमेंट्स टू बूस्ट द इकोनॉमी, दैट ही अनाउंस द स्टील इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, दैट इज द SIMS स्कीम लॉन्च की, जिसमें स्टील से रिलेटेड कितना इम्पोर्ट हो रहा है, कितना कुछ भी, और सब कुछ डेटा मॉनिटर कर पाएंगे ऑनलाइन।
एंड देन द एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस स्कीम एंड द नेम इज़ निर्विक। निर्विक नाम से नई स्कीम लेके आए हैं एक्सपोर्ट के, जहाँ पे जो पहले अगर कोई कंपनी जो कोई कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है, कोई भी सामान एक्सपोर्ट कर रही है, तो बैंक उसको कवर देती थी, इंश्योरेंस कवर देती थी, तो उसको इंक्रीज़ कर दिया है कि अगर आप बैंक किसी भी कंपनी को कवर देगी तो वो अब 90% जो है कवर वापस दे देगी अगर लॉस हुआ किसको, बैंक को। तो उससे रिलेटेड है कि अगर आप जिस कोई बैंक है, ये बैंक है, अगर ये बैंक लेंडिंग करता है किसी कंपनी को और वो कंपनी लॉस चली जाती है एक्सपोर्ट के टाइम पे, कुछ भी उसके साथ कुछ भी होता है, तो उसका 90% जो कवरेज है वो कौन, जो गवर्नमेंट है, उनको वापस कर देगी। लेकिन वो पहले 60% था। तो ये किस लिए किया गया कि ताकि हमारा अपने एक्सपोर्ट को बूस्टअप कर सकें, एक्सपोर्ट बूस्टअप होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। सो ये इसलिए इंपॉर्टेंट था। सो दो स्कीम है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे SIMS एंड देन द निर्विक स्कीम। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज हिंदू डिस्कशन डेटेड 17th September, एंड थैंक यू गाइज। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन मेल अस टू आर जीमेल आई डी, इट इज द upstudent@gmail.com, और टू आर चैनल टेलीग्राम चैनल विच इज मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। सो थैंक यू।